बालों को तेजी से लंबा और घना करने का इससे आसान उपाय कोई नहीं बताएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोगानुसार में एक बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ है। दोस्तों, बाल इंसान की सुंदरता का अहम हिस्सा होता है। बालों को सही पोषण ना मिलने से बालों की लंबाई कम हो जाती है और रूखे और बेजान बालों का असर बालों की लंबाई पर भी होता है। हर कोई चाहता है कि उनके बाल लंबे, घने और मुलायम रहें, और जिसके लिए वे कई तरह तरह के तरीके अपनाते हैं, जैसे हेयर स्पा, हेयर मसाज और ट्रीटमेंट, जिससे बालों को नुकसान पहुंचता है। प्राचीन काल हो या वर्तमान का समय, जी हाँ दोस्तों, महिलाओं के लंबे बाल हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहे हैं। नए फैशन और वक्त की कमी की वजह से अधिकांश महिलाएं अपने बालों को छोटा करवा लेती हैं। लेकिन अगर उनसे भी बालों के बारे में बात की जाए तो उनकी पहली पसंद भी लंबे काले घने बाल ही होते हैं। लड़कियों और महिलाओं के लंबे बाल उनकी खूबसूरती ही नहीं बढ़ाते, बल्कि पुरुषों को अट्रैक्ट करने का भी एक माध्यम होते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे बालों को लंबा करना इतना आसान नहीं है, इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं जिसे अपनाकर आप अपने बालों को बहुत ही तेजी से लंबा और घना कर पाएंगे, वो भी बहुत ही कम समय में। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकारी छूटे और आपके लंबे बालों का सपना अधूरा रह जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें। नंबर एक, जी हाँ दोस्तों, भीगे हुए चिया के बीज में जेल होता है जो जड़ों और बालों को हाइड्रेट रखता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है जो सूजन को दूर करता है और जड़ों को स्वस्थ बनाता है। जी हाँ दोस्तों, चिया बीज में एंटीऑक्सीडेंट के गुण भी मौजूद होते हैं जो परिसंचरण और बालों को बढ़ाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच चिया बीज, 1/4 कप बादाम का दूध या फिर नारियल का दूध है। जी हाँ दोस्तों, दूध में चिया के बीज को 10 मिनट तक भिगो कर रखें। अब इसे अपनी जड़ों में लगाएं और 10 मिनट तक ऐसे ही लगा हुआ छोड़ दें। अब इसे शैम्पू से धो लें। आप 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच चिया बीज को 10 मिनट तक भिगो कर रख सकते हैं और फिर उसे खा लें। आप इसे रोजाना के आहार में भी शामिल कर सकते हैं। नंबर 2, एलोवेरा। जी हाँ दोस्तों, बालों को लंबा करने के लिए 2 चम्मच एलोवेरा जेल के साथ 1 अंडे का सफ़ेद हिस्सा मिलाएं, फिर इसे बालों में लगाएं और आधे घंटे तक छोड़ दें। इसके बाद बालों को शैम्पू करें। आप चाहे तो एलोवेरा लगाने से पहले बालों को स्टीम दे सकते हैं, इससे बालों की जड़ें मजबूत बनेंगी और बाल भी नहीं टूटेंगे। नंबर 3, आलू। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को आलू के जूस के फायदों के बारे में नहीं पता होता है। आलू विटामिन ए, बी और विटामिन सी से समृद्ध होता है। ये बालों को मजबूत और स्वस्थ बनाने में मदद करता है। ये उपाय तब भी बहुत लाभदायक होता है जब आप एलोपेशिया यानी पतले बालों की समस्या से जूझ रहे होंगे। इसके लिए हमें चाहिए 1 आलू। जी हाँ दोस्तों, अब आलू को छील लें और आलू के टुकड़ों का जूस निकाल लें। अब इस जूस को जड़ों में 15 मिनट के लिए लगा कर रखें। अब अपने बालों को धोने से पहले शैम्पू का इस्तेमाल करें। जब भी आप अपने बालों को धोने वाले हों तो इस जूस को सबसे पहले लगा लें। नंबर 4, आंवला। जी हाँ दोस्तों, आंवले में मौजूद पोषक तत्व बालों की मजबूती और वृद्धि के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। अगर आपको घने काले बाल का शौक है तो आंवला और रीठा का पाउडर लगाएं। आंवले के जूस को सप्ताह में 1 बार लगाने से बाल तेजी से बढ़ने लगते हैं। आंवला खाना भी त्वचा और बालों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। नंबर 5, सरसों। जी हाँ दोस्तों, सरसों परिसंचरण को बढ़ाता है और बालों के रोम को सूजन को कम करता है। इसके लिए हमें चाहिए 1 बड़ा चम्मच सरसों का पाउडर और 1 चम्मच चीनी और 1/4 कप गर्म पानी। जी हाँ दोस्तों, अब गर्म पानी में सरसों का पाउडर और चीनी मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपनी जड़ों में लगाएं। अब इस मिश्रण को अपने बालों में 15 से 60 मिनट के लिए इसे लगा हुआ छोड़ दें। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद अपने बालों को धोने से लिए आप अपने बालों में शैम्पू का इस्तेमाल करें। जी हाँ दोस्तों, अपने बालों को धोने के लिए आप शैम्पू जरूर लगा लें। रूखे बालों के लिए इस पेस्ट में कोई भी 1 चम्मच
तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तौलिए और डैंड्रफ वाले बालों के लिए एक चम्मच नींबू का जूस मिलाकर इस्तेमाल करें। हर तरह के बालों के लिए आप अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मिश्रण को हफ्ते में एक बार अवश्य उपयोग करें।